कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है। बीती रात मऊरानीपुर के प्राचीन मंदिर में जो हुआ वे बेहद ही चौंकाने वाला था और जिसने भी ये नज़ारा देखा वह देखता ही रह गया। मानो यूं लगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति भगवान भोलेनाथ के दर्शन को एक सर्प के रूप में आई हो। घटना बीती देर रात की है जहाँ भगवान केदारेश्वर मंदिर में एक अजीबोगरीब घटना हुई। दरअसल इस मंदिर के लिए कहा जाता है कि यहाँ प्रतिदिन जब भगवान के पट बंद हो जाते हैं तब कोई अज्ञात शक्तियाँ यहाँ आकर पूजा करके जाती हैं। सुबह जब मंदिर के पट खुलते हैं तब यहाँ पूजा हो चुकी होती है। साफ दिखता है कि शिवलिंग पर जलाभिषेक हो चुका होता है और इस रहस्य की गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा सका। कई विद्वानों ने व पत्रकारों ने यहाँ रात भर रुककर पहरेदारी की और सुबह जब मंदिर के पट खुले तब यहाँ पर देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई कि उन्हें आभास भी नहीं हुआ। मगर गुफा के बंद दरवाजे के अंदर आखिर किसने पहुंचकर जलाभिषेक किया? यहाँ तक कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आज जो घटना हुई है उसने एक बार फिर से मंदिर में रहने वाले भक्तों को चौंका दिया। दरअसल दूर से आए एक श्रद्धालु के लिए मंदिर के पट पुजारी द्वारा खोले गए, लेकिन अचानक जो दिखा वे बेहद ही चौंकाने वाला नज़ारा था। एक विशाल सर्प भगवान शिव की पिंडी से लिपटा हुआ दिखा, जैसे कि कोई शेषनाग की अपने आराध्य की पूजा के लिए यहाँ आया हो। जिसने भी ये नज़ारा देखा तो सभी के होश उड़ गए। करीब 12 फीट लंबा सर्प वहाँ से हटाने का प्रयास किया तो वह बिना किसी को परेशान किए वहाँ से सीधा पहाड़ी की तरफ जाकर अदृश्य हो गया। इस पूरी घटना का वीडियो भी वहाँ मौजूद किसी व्यक्ति ने बनाया है और वहाँ पर मौजूद एक व्यक्ति द्वारा हमें बताया गया कि बंद मंदिर में अचानक इतना विशाल सर्प कैसे प्रवेश कर गया, ये किसी के भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इस प्राकृतिक घटना ने सभी को हैरान कर दिया है और जिसने भी ये साक्षात दृश्य देखा वह सिर्फ भगवान के भजन करने लगा। आप भी देखिए पूरा वीडियो। साफ तो हम जहाँ भी हमारा होता है ये रहा है। अरे धन्नु धन्नु है धन्नु के बेटा शिव ये मैं खाना पीना तुम ना सब्जी बनी अंकल वो टॉर्च लेकर उससे हो नमः शिवाय जान दो ओ मोहम्मद दर्शन के लाये रुकी थी भी तुमने बुला लो तो बेला दे दे अब तो जला बेटा नमः शिवाय अब तक पहुँचा दो ओम नमः शिवाय अब तक पहुँचा दो नमः शिवाय पर कम्मा लगा रहे हो यार शिवाय ओम नमः शिवाय क्लियर दो फुट की टाइल्स मान लो दो दूनी चार दो छह दो आठ नौ से नौ प्लस है नमः शिवाय ओम शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय चलो ओम नमः शिवाय नमः शिवाय करो आप बने सही आप बने सही वीडियो कम हो तो नहीं नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम हाँ केदारेश्वर का एक वीडियो आप मौके पर गए थे, क्या है पूरा मामला? इस समय आपने अपनी फेसबुक पे डालू डाला है, क्या है पूरा मामला? ये हम जैसे ही हमारे पास फोन आया हम घर पे थे कि लगभग 9 बजे थे कि मंदिर में जो है मड़िया के अंदर सर्प है, तो हम जाके मौके पे
मतलब हमने कहा जो भी देव शक्तियाँ हैं उनके दर्शन करने हेतु मंदिर पहुँच गए और वहाँ पे विशाल सर्प जो है भगवान के ऊपर ऊपर उनके ऊपर था, जो हमारे आने के जैसे हम मंदिर में पहुँचे हमने उसके दर्शन किए, उसके बाद वो मंदिर की मड़िया से बाहर निकला और वो प्राचीन मंदिर है। वहाँ पे जितने भी इर्द गिर्द सिद्ध स्थान हैं, सिद्ध देवता हैं जो अलग अलग योनि में हैं, वो सारे जो है वहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। ये मंदिर का महत्व है। तो जो ये कल दृश्य देखा है, क्या ये जो शक्ति थी या जो भी था, क्या ये हमेशा वहाँ दिखाई देता है, ये आज ही दिखा नहीं? ये शक्तियाँ वहाँ पे कई बार हमको देखने को मिली। हमारा सावन के महीने में एक माँ का मलमास होता है, माँ के महीने का एक मलमास होता है और पुरुषोत्तम का महीना, उसमें भी एक माह का हमारा वहीं पे कल्पवास होता है। तो वहाँ पे कई बार एकांत के समय में कई देव शक्तियाँ वहाँ पूजा करने के लिए आती हैं। वो मंदिर का इतिहास है कि वहाँ सबसे पहला जल जो है वो देव शक्तियाँ ही चला। सर कितना बड़ा था लगभग, आपने देखा है जैसे? करीब 10 फुट का था। 10 फुट? हाँ। उसका आकार कितना बड़ा था? 10 फुट का आकार था, कम से कम 4-5 इंच मोटा करीब सर होता। बिल्कुल अद्भुत था वो। हाँ, अद्भुत सर था। उसने मंदिर से निकलने के बाद मंदिर की परिक्रमा लगाई, मंदिर की परिक्रमा लगाने के बाद जो है वो गणेश जी की दालान के बगल से फिर वो नीचे उतर गया। मतलब इस दौरान जब आप लोग भी वहाँ रहे तो किसी को उसने परेशान किया या कुछ? नहीं, वहाँ पे जो भी देव शक्तियाँ आती हैं वो कभी किसी का बुरा नहीं करती हैं, वो अपना काम करके वो पुनः जो है वापस चली जाती हैं।